बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस तरह का ये क्रोशेट इयर रिंग बनाना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने ये क्रोशेट लिया है और ये थ्रेड लिया है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक थ्रेड का कलर अपने ड्रेस के मैचिंग के मुताबिक बना सकती हैं इयर रिंग मैच कर। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरीके से। इस तरह की हमने मैजिक रिंग बनाई। यहाँ पर हम चैन 3 बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। ये 3 चैन हमने बनाई है। अब इस मैजिक रिंग में हमने डबल क्रोशेट बनाना है इस तरह। पहले हमने 2 थ्रेड से बाहर आना है, फिर 2 से बाहर आना है और फिर 2 से बाहर आना है। इस तरीके से ये जो फर्स्ट में हमने 3 चैन बनाई थी, इस तरह ये दोनों बराबर हो चुकी हैं। दोबारा हमने डबल क्रोशेट बनाना है इसी रिंग में। थ्री टाइम हमने ये डबल क्रोशेट बनाया। आप यहाँ पर चैन 3 बनाएं और इसी रिंग में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये इस तरह की हमारी ये पत्ती तैयार होगी। थोड़ा सा हम इस थ्रेड को खींच लेते हैं। ये देखिए इस तरह की ये पत्तियाँ बनेंगी हमारे फ्लावर की। दोबारा हमने यहाँ पर चैन 3 बनानी है डबल क्रोश। ये ट्रिपल क्रोशेट बनाना है यहाँ पर। इस तरह फिर ट्रिपल क्रोशेट, 3 टाइम हमने ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। ये 3 टाइम हमने ट्रिपल क्रोशेट बनाया। अब हम 3 चैन बनाएंगे। ये इस तरीके से हमने 5 पत्तियाँ बनानी हैं। आपको बनाकर अभी दिखाते हैं। थ्री चैन बनाइए। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। थोड़ा सा हम इस वाले थ्रेड को खींचेंगे नीचे से इस तरीके, इस तरह। यहाँ पर हम चैन 2 बनाएंगे, 1, 2 चैन बनाकर थ्रेड को हम कट करेंगे यहाँ पर।
ये देखिए इस तरह का हमने ये फ्लावर तैयार किया है, जिस तरह ये वाला फ्लावर बनाया है हमने। इस तरह हम यहाँ थोड़ा सा सेटिंग कर देते हैं इन पत्तियों की, इस तरीके से। ये जो हमारा फालतू थ्रेड है इसको हम बैक साइड पर लेकर आएंगे। यहाँ पर इस थ्रेड में हम नीडल पुरोएंगे। ये जो फालतू थ्रेड था हमारा, इसमें हमने नीडल पुरोया और एक मोती डालेंगे हम इसके अंदर। ये हमने मोती डाला इसमें। अब इसको हम यहाँ से थोड़ा सा स्टिचिंग करके बैक साइड पर लेकर आएंगे। इस तरह घेरा लगा देंगे हम, ताकि अच्छी तरह पक्का हो जाए ये फालतू थ्रेड को। ये वाले थ्रेड को हम कट करेंगे। इस तरह का हमारा ये वाला हिस्सा तैयार हो चुका है। अब हमने ये वाला हिस्सा बनाएंगे, इसके साथ अटैच करेंगे यहाँ पर। इस तरीके से हमने ये बनाया है ये वाला हिस्सा। अब यहाँ पर हम अटैच करेंगे इसको, स्टिच करेंगे नीडल से। इस तरीके से हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे इसको। ये देखिए इस तरह का ये बना है हमारा एयररिंग, क्रोशिट एयररिंग। अब हम इसके साथ ये नाप कर इस तरह कट करेंगे इसको। देखें बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने ये रिंग भी तैयार किया है। अब हम इसमें ये वाला कुंडा डालेंगे। ये देखिएगा। आप अपने ड्रेस के मैचिंग करके थ्रेड बना सकती हैं अपने ड्रेस के मैचिंग के हिसाब से। ये देखें, अगर आप लोगों को मेरे ये क्रोशिट एयररिंग पसंद आए तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी मेरी वीडियो से मज़ीद फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़। बाय बाय।